नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुटेक लाइव में। मानव रोग के अंदर हम संक्रामक रोग पढ़ रहे थे और संक्रामक रोगों में हमने जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे कृमि जनित रोग। ये भी संक्रामक रोग है, कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग में कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसके अंदर सर्वप्रथम हम देखते हैं एक रोग आता है हाथी पांव। हाथी पांव ऐसे बोलते हैं फील पांव, या इसको कहते हैं फिलेरिया। हाथी पांव जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा पैर सूजकर हाथी की जैसे बड़ा हो जाता है, इसके लिए इस रोग को हम कहते हैं हाथी पांव, फील पांव या फिलेरिया। इसकी बात करते हैं हम कारण की, तो इसका कारण होता है हुचरेरिया, ब्रेंकोफटाई, हुचरेरिया ब्रेंकोफटाई कृमि। इस कृमि के कारण हमें ये रोग होता है हाथी पांव। इसकी बात करते हैं प्रभावित अंग की, तो इसके अंदर प्रभावित अंग जो होता है वो जैसा पता है हमको पांव होता है, पांव सूज जाता है, पैर इसके अंदर प्रभावित अंग होता है। इसकी बात करते हैं हम संक्रमण की, कि किसके कारण संक्रमण होता है, तो इसका संक्रमण होता है दूषित पानी या भोजन से, दूषित पानी या भोजन से। ये बात कर ली हमने हाथी पांव, फील पांव या फिलेरिया की, जिसका कारण है हुचरेरिया ब्रेंकोफटाई कृमि। इसका प्रभावित अंग होता है पांव और इसका संक्रमण होता है दूषित पानी में भोजन के कारण। नेक्स्ट कृमि जनित रोग के बारे में देखते हैं हम अगला रोग। कृमि जनित रोग में दूसरा रोग जो है वो आता है टीनियसिस रोग। टीनियसिस रोग टीनियसिस रोग ये भी एक कृमि जनित रोग है, जिसकी हम बात करते हैं कारण की, होता है टीनिया सोलियन कृमि। ये टीनिया सोलियन कृमि के कारण होता है। इसके अंदर बात करते हैं प्रभावित अंग की, टीनियसिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें प्रभावित अंग होता है छोटी आंत, छोटी आंत। संक्रमण की यदि बात करते हैं, तो इसका संक्रमण जो होता है वो होता है दूषित पानी या भोजन से, दूषित पानी या भोजन से। टीनियसिस रोग जो टीनिया सोलियन कृमि के कारण होता है, इसके अंदर प्रभावित अंग होता है छोटी आंत, और यह दूषित पानी में भोजन से होता है, विशेषतः ये दूषित पानी में भोजन से होता है। और हम इसके बात करते हैं संक्रमण की, ये तो सुअर के कच्चे मांस के कारण भी ये रोग होता है, सुअर के कच्चे मांस खाने से, सुअर का कच्चा मांस खाने के कारण भी ये रोग होता है, सुअर का कच्चा मांस खाने से। सुअर के कच्चे मांस को कहा जाता है मिजिलस पोर्क। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, सुअर के कच्चे मांस को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मिजिलस पोर्क। जैसे मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन, बकरे के मांस को कहते हैं मटन, गाय के मांस को कहते हैं बीफ, उसी प्रकार सुअर के कच्चे मांस को कहते हैं मिजिलस पोर्क। नेक्स्ट हम इस कृमि जनित रोग में बात करते हैं बाला रोग या नारू रोग। बाला रोग या नारू रोग बाला रोग या नारू रोग में हम बात करते हैं इसके अंदर कौन से कृमि के कारण होता है, तो ये होता है ड्रेकन कुलस मेंडिसिस। ड्रेकन कुलस मेंडिसिस कृमि के कारण होता है। इसकी बात करते हैं हम प्रभावित अंग की, तो इसका प्रभावित अंग जो होता है वो होता है त्वचा, त्वचा। बाला रोग या नारू रोग में क्या होता है, हमारी त्वचा के ऊपर,
त्वचा के ऊपर कुंसियाँ होती हैं और कुंसियों से धागे निकलते हैं। कुंसियों त्वचा पर फुंसी होती है और फुंसी से धागे निकलते हैं। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया कि जो फुंसी से धागे निकलते हैं बाला रोग में उनकी लंबाई क्या होती है, तो इनकी लंबाई होती है 90 से 130 सेंटीमीटर। 90 से 130 सेंटीमीटर लंबे हमारे फुंसी में से धागे निकलते हैं। ये रोग पहले बहुत होता था, आप अपनी दादी से पूछना, उनको नारू रोग से समझ में नहीं आएगा, उनको बोलना नारुवा रोग, क्योंकि नारवा धागे को कहा जाता है, नारवा रोग। इसके अंदर होता क्या है, ये प्रभावित, इसका संक्रमण जो होता है वो होता है दूषित पानी या भोजन से। पुराने समय में क्या है, टूंटियां होती नहीं थी, सब पार्लर पानी पीते थे, पार्लर पानी यानी बरसात का पानी पीते थे, उसके अंदर ये क्रीमी होती थी, ड्रेकन कुल्लस मेंडिसिस क्रीमी, बिना छाने पानी पीने पर ये कृमि हमारी मटकी में आ जाती थी और मटकी से हमारे शरीर में ये छोटी आंत को प्रभावित करती थी और छोटी आंत से फिर हमारी त्वचा के नीचे फुंसी होना शुरू हो जाती थी और फुंसी होकर उसमें से धागे निकलते थे। धागे 90 से 130 सेंटीमीटर लंबे होते थे और ये एक दो जगह नहीं पूरे शरीर पर होते थे। यदि किसी व्यक्ति को ये रोग हो जाता था तो उसको सुलाने के लिए भी दो आदमियों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो धागा यदि टूट गया, बीच में बिना पके हुए टूट गया, तो वो रोग बहुत विकराल रूप धारण कर लेता था। राजस्थान में एक देवता है तेजा जी, वीर तेजा जी, जिनको काला वे बाला रोग के देवता कहते हैं। काला तो यानी ये नाग के देवता हो गए और बाला यानी ये बाला रोग के देवता हैं। इनके नाम की तांती बांधने पर ये रोग ठीक हो जाता था। ये हमने बात कर ली कृमिजनित रोग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कवक से होने वाले रोग, कवक या फफूंद, संक्रामक रोगों में नेक्स्ट बात करते हैं कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले संक्रामक रोग, कवक या फफूंद से संक्रामक रोग होते हैं, जिसके अंदर सर्वप्रथम हम देख लेते हैं दाद। दाद जो सामान्यतः हमारे त्वचा पर होते हैं, ये एक कवक के कारण होता है और इसका कारण होता है ट्राइकोफाइटोन कवक। ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। दूसरा रोग हम इसके अंदर देखते हैं वो आता है अस्थमा या दमा, यानी सांस की तकलीफ। ये किसके कारण होता है, इसके कारण की हम बात करते हैं तो ये होता है एस्परजिलस फ्यूगेटस कवक के कारण। ये कवक का नाम है एस्परजिलस फ्यूगेटस कवक। और इसके अंदर एक रोग और आता है गंजापन, यानी सिर से बाल उड़ जाना, गंजापन। गंजापन जो होता है उसका कारण होता है कैपेटिस कवक, जिसको हम सामान्यतः डेंड्रप भी कहते हैं, यानी आप मारवाड़ी भाषा में क्या अगर खोरो, तो ये डेंड्रप के कारण गंजापन होता है। तो ये हमने अध्ययन कर लिया कवक से होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में, जिसके अंदर पहला रोग आता है दाद, जो हमारी त्वचा पर होते हैं, ये होता है ट्राइकोफाइटोस कवक के कारण। और अस्थमा दमा यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, ये होता है एस्परजिलस फ्यूगेटस कवक के कारण। और एक होता है गंजापन जो होता है वो कैपेटिस के कारण होता है, कैपेटिस कवक के कारण। इसको हम साधारण भाषा में डेंड्रप भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई कवक से होने वाले संक्रामक रोगों में, हमने संक्रामक रोगों का पूरा अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बात करेंगे असंक्रामक रोगों के बारे में, असंक्रामक रोग। तो आज हम संक्रामक रोगों के बारे में इतना ही अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में असंक्रामक रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी अपडेट।